देश में ट्रेनों को डिरेल करने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने इसके पीछे इस्लामिक स्टेट के खुरासन मॉड्यूल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने पर शक जताया है। होम मिनिस्ट्री ने भी माना है कि 55 दिनों में 18 बार ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश हुई, इसके पीछे बड़ी साजिश है। केंद्र सरकार ने एनआईए को बीते 2 साल में हुई ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा घटनाओं की फिर से जांच करने का आदेश दिया है। हाल ही में पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्ला गौरी ने वीडियो जारी किया था जिसमें वो भारतीय ट्रेनों को निशाना बनाने की बात भी कह रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारतीय रेल आईएसआईएस के निशाने पर क्यों है और इसका पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्ला से क्या कनेक्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। 8 सितंबर की सुबह 8:20 पर प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर के शिवराजपुर के पास पटरी पर रखे सिलेंडर से टकराई। हालांकि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। जांच आगे बढ़ी तो इसमें सभी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां शामिल होती नजर आईं। अब एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है। कानपुर कासगंज रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर से टकराने के बाद कालिंदी एक्सप्रेस 20 मिनट तक रुकी रही। इसके बाद यहां से 17 किलोमीटर दूर बिल्हौर स्टेशन पर ट्रेन की फिर से जांच की गई। जांच टीम को मौके से एक पेट्रोल की बोतल, एक थैले में बारूद जैसा केमिकल और एक माचिस मिली। इस घटना को बड़ी आतंकी साजिश बताया जा रहा है। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने खुलासा किया है कि सिलेंडर के सहारे ट्रेन को डीरेल करने की प्लानिंग थी। झोले में रखे अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल से ट्रेन में आग लगाने की साजिश रची गई। ये दोनों वाकये 16 अगस्त को झांसी ट्रैक पर बेपटरी हुई साबरमती एक्सप्रेस और 24 अगस्त की रात फरुखाबाद में कासगंज फरुखाबाद एक्सप्रेस के लकड़ी से टकराने के बाद हुई थी। इसीलिए इसे साजिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। इन सबके बीच 9 सितंबर को बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए को सबूत मिले हैं कि इस धमाके का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा आतंकी फरहतुल्ला गौरी है। फरहतुल्ला आतंकी संगठन आईएसआईएस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करता है। 28 अगस्त 2024 को इसने टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया था। इसमें वो भारतीय ट्रेनों को निशाना बनाने की बात कह रहा था। वीडियो सामने आने के बाद एनआईए ने जांच शुरू की। जांच एजेंसी को फरहतुल्ला के खिलाफ तमाम सबूत मिले। मसलन वो दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा था। फरहतुल्ला इन नौजवानों के जरिए भारत में आतंकी घटनाओं का मंसूबा पाले है। वीडियो में गौरी ने पेट्रोल पाइपलाइन को निशाना बनाने के तारीखों के अलावा प्रेशर कुकर बम से धमाका करने की तारीखें भी बताई हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में पिछले साल प्रेशर कुकर बम धमाके हुए थे, इसीलिए एनआईए को शक है कि ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें ट्रेनों की पटरियों पर पत्थर, सिलेंडर, बोल्डर या स्लैब रखकर उन्हें डिरेल करने की कोशिश भी शामिल है। जांच एजेंसियों को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि भारत में मौजूद स्लीपर सेल को एक्टिव कर उन्हें ट्रेनों को निशाना बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रैक पर रखना है, किससे धमाका करना है, ये सब ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। जांच एजेंसी ने इसके पीछे इस्लामिक स्टेट के खुरासन मॉड्यूल का हाथ होने का शक जताया है। यह आईएसआईएस के इशारे पर भारत में ट्रेनों को टारगेट कर रहा है। बीते कुछ सालों में लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के कई बड़े शहर केरल के इस आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन इंटरनेट के जरिए भारत में युवाओं को आतंकी बनाने के बीते कई साल से कोशिश कर रहा है। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके में आईएसआईएस के मॉड्यूल का नाम सामने आया था। उस वक्त भारत में इस्लामिक स्टेट का ये पहला हमला था। इस हमले के बाद एमपी और यूपी पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन कर 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने लखनऊ में छिपे स्लीपर सेल सैफुल्ला को मार गिराया था। मार्च 2017 में ही कानपुर से खुरासन मॉड्यूल के गौस मोहम्मद दानिश फैजल इमरान अजहर को गिरफ्तार किया गया था। इटावा से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि कई संदिग्ध युवकों के फरार होने की जानकारी भी सामने आई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कानपुर इस मॉड्यूल का बेस हो चुका है। यही वजह है कि ट्रेन डिरेल करने की ज्यादातर घटनाएं यूपी में ही हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि रेल हादसे कराने की साजिश लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। सरकार जल्द ही 1,10,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पहल शुरू करने वाली है। हालांकि सरकार का यह दावा कब हकीकत में तब्दील होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि रेलवे का भी मानना यही है कि वो इतने बड़े रेल नेटवर्क को कवर करने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मैन पावर की कमी।
फेंसिंग कर जानवरों को तो ट्रैक पर जाने से रोका जा सकता है, लेकिन असामाजिक तत्वों को रोकना मुश्किल होगा। रेलवे के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे ये पहले ही मालूम चल सके कि ट्रैक पर कुछ संदिग्ध ऑब्जेक्ट रखा नहीं गया है। ट्रैक की 24/7 निगरानी रखना भी नामुमकिन है, और यही वजह है कि आतंकियों के लिए भारतीय रेल एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 Digital। नमस्कार।